हेलो, पिछली वीडियो में हमने स्लाइड शो टाइप के बारे में जाना। इस वीडियो में हम रिव्यू टाइप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिव्यू टाइप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप में हमारे पास स्पेलिंग कमांड है। स्पेलिंग कमांड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई वर्ड गलत लिखते हैं तो उस वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन आ जाती है। तो रेड अंडरलाइन ये बताती है कि हमने ये वर्ड गलत लिखा हुआ है। तो हम स्पेलिंग कमांड का यूज़ करते हैं उसको सही करने के लिए। तो हम यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब क्या बताएगा ये बताएगा कि एप्पल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। अगर हम इस एप्पल की स्पेलिंग को सही करना चाहते हैं तो हमारे पास ये सुजेशन यहाँ पे देगा कि ये जो वर्ड है इनमें से कोई एप्पल की स्पेलिंग यहाँ से तो नहीं है कोई। तो ये जो फर्स्ट वाली है ये स्पेलिंग यहाँ पे सही दी गई है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और अगर इसको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, चेंज पे क्लिक करेंगे। तो चेंज पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे जो एप्पल की स्पेलिंग गलत थी जहाँ पे रेड अंडरलाइन आ रही थी वो स्पेलिंग यहाँ पे सही हो गई। अब ये देखो सेकंड है यहाँ पे ये APLE, ये भी स्पेलिंग गलत है। यहाँ भी रेड अंडरलाइन आ रही है, ये देखो APLE। इस स्लाइड में भी ये एप्पल की स्पेलिंग गलत है। ये हमारी दूसरी स्लाइड है, यहाँ भी ये भी एप्पल की स्पेलिंग गलत है। और ये यहाँ पे एक और एप्पल लिखा हुआ है, ये भी एप्पल की स्पेलिंग गलत है। हम क्या करना चाहते हैं, अब हम एक ही कमांड के जरिए इन सभी एप्पल की कमांड को सही करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एप्पल जो कि सही वर्ड है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है वहाँ पे सारी स्पेलिंग ये सही हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज आल पे क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जितनी भी स्लाइडें होंगी ये स्पेलिंग सही हो जाएगी जो हमने सेलेक्ट की हुई है। ये देखो चेंज आल पे क्लिक किया। चेंज आल पे क्लिक करने के बाद ये देखो फर्स्ट स्लाइड में भी एप्पल की स्पेलिंग यहाँ भी सही हो गई है और यहाँ भी सही हो गई। अब सेकेंड कमांड को चेक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ भी एप्पल की स्पेलिंग सही हो गई और यहाँ भी एप्पल की स्पेलिंग सही होगी। तो इस प्रकार हम ये स्पेलिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो हमने लिखा हुआ है FRUT, यहाँ पे फ्रूट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है। तो इसको अगर हमने ऐसे ही रहने देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखो ये स्पेलिंग यहाँ से रेड अंडरलाइन हट जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि ये स्पेलिंग ऐसे ही रहे तो हम क्या करेंगे, इग्नोर वंस यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये दूसरी इसमें लिखी थी, ये फर्स्ट की लिखी थी, ये सही हो गई है यहाँ पे। अब दूसरी की इसको भी सही करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इग्नोर आल पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे फ्रूट की स्पेलिंग ये जो ये लिखी है वो इसको सही कर देगा, इसी स्पेलिंग को सही कर देगा और ये रेड अंडरलाइन यहाँ से हट जाएगी। अगर हम यहाँ पे इग्नोर आल पे क्लिक किया तो ये देखो ये जहाँ पे ये स्पेलिंग फ्रूट की लिखी हुई है इस स्पेलिंग को ये इग्नोर कर देगा। जहाँ जहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है इसको इग्नोर कर देगा ये। तो ये देखो फर्स्ट में भी ये इग्नोर हो गया और सेकंड में वो भी यहाँ से इग्नोर हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और फर्स्ट कमांड से भी हम इसको डिलीट कर देंगे। ये देखो इसको डिलीट कर दिया। तो इस प्रकार हम यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर को यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली कमांड है थिसॉरस कमांड। अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्वीट लिखा हुआ है यहाँ पे स्वीट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इसके मिलते जुलते जितने भी वर्ड होंगे वो यहाँ पे थिसॉरस जब हम क्लिक करेंगे तो इसके मिलते जुलते जितने भी वर्ड होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, जिनको हम सिनोनिम वर्ड भी बोलते हैं। तो अगर हमने थिसॉरस कीबोर्ड से ओपन करना है तो हम शिफ्ट प्लस F7 की प्रेस करेंगे तो ये थिसॉरस यहाँ से ओपन हो जाएगा।
अगर हम यहाँ से ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमने यहाँ पे स्वीट जो था यहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो स्वीट से मिलते जुलते वर्ड जितने भी हैं ये वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, यहाँ पे हमें कोई भी वर्ड चाहिए, जैसे ये स्वीटन ये वर्ड हमें यहाँ पे चाहिए, ये तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इनमें से जो भी वर्ड हमें चाहिए उसको उसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वो वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको यहाँ से मिटाएंगे। इसके बाद है अगली कमांड है हमारे पास चेक एक्सेसिबिलिटी। तो चेक एक्सेसिबिलिटी ये कमांड हमें ये बताती है कि हमारी स्लाइड में कोई इशू तो नहीं है, कि उसमें कोई वार्निंग या कोई एरर तो नहीं है। तो चेक एक्सेसिबिलिटी कमांड ये चेक करती है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ पे कोई हमारी एरर है या कोई हमारी यहाँ से वार्निंग दी गई है, तो उसको ये चेक करता है। ये तो ये काम चेक एक्सेसिबिलिटी का होता है। इसको बंद करेंगे एक्सेसिबिलिटी को। इसके बाद है हमारे पास स्मार्ट लुकअप कमांड। तो स्मार्ट लुकअप कमांड तभी काम करती है जब हमारे पास इंटरनेट होगा, तभी ये काम करेगी। तो इसका काम क्या होता है, जैसे हमें किसी वर्ल्ड के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हम यहाँ पे स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करेंगे, तो उस वर्ल्ड से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन हमारे राइट हैंड साइड ये जो पैन है यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ये एप्पल है, इसकी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है एप्पल के बारे में, तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट लुकअप कमांड यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो स्मार्ट लुकअप पैन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एप्पल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे स्मार्ट लुकअप ये जो पैन है इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास लैंग्वेज ग्रुप। लैंग्वेज ग्रुप में हमारे पास पहली कमांड है ट्रांसलेट की। तो ट्रांसलेट कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें, जैसे हमने ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या तमिल में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या तेलुगु में ट्रांसलेट करना चाहते हैं या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेट के मोर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले क्या करेंगे हम यहाँ से कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे तो ट्रांसलेट टू ये जो लिखा हुआ है इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ से बहुत सी लैंग्वेज हैं ये देखो। अब किस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है, तो जिस भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हिंदी में करना है यहाँ पे हिंदी पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखो हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये जितना भी इंग्लिश का है ये हिंदी में ट्रांसलेट होके आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे हम फिर यहाँ पे ट्रांसलेट के मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है हमारा मिनी ट्रांसलेटर। मिनी ट्रांसलेटर का काम ये होता है, जैसे हम किसी वर्ड का हिंदी में मीनिंग चाहते हैं, जैसे एप्पल का, ये देखो एप्पल का यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होके आ गया सेव। अब अगला वर्ड जैसे स्वीट, ये देखो स्वीट का यहाँ पे प्यारा ये आ गया हिंदी में ट्रांसलेट होके। अब यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ से हम ट्री, तो ये देखो ये हिंदी में ट्रांसलेट होके आ गया पेड़। तो ये मिनी ट्रांसलेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है अगर हमें ये जितनी भी हमारे पास दिया गया है इस सभी की हमने हिंदी में ट्रांसलेट करना है इसको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमारा फर्स्ट है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये टेक्स्ट जितना भी दिया गया है इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट किया, अब ये जितना भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो हम यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद यस पे क्लिक करेंगे,
यस पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये जितना भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है ये देखो हिंदी में ये ट्रांसलेट होके यहाँ पे आ गया। तो ये ट्रांसलेट होके आ गया। अगर हम इसको यहाँ पे सपोज़ करो हम एंटर यहाँ से प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमें ये सारा जितना भी हिंदी में दिया गया है इसको सारे को हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है जहाँ पे हमारा कर्सर है। तो हम यहाँ पे जाएंगे मोर बटन पे इंसर्ट के और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो तो ये जितना भी इंग्लिश का यहाँ पे दिया गया था इसकी ट्रांसलेट हिंदी में होके यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार हम किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सपोज़ करो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। अगर हम इसे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सपोज़ करो हम यहाँ पे कोई और लैंग्वेज लेते हैं जैसे यहाँ पे तमिल, इसमें करना है तो हम यहाँ पे तमिल पे क्लिक करेंगे। तो ये देखो ये तमिल में ट्रांसलेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो तमिल में भी ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिलीट करेंगे यहाँ से, ये सारा जितना भी है ये डिलीट किया। डिलीट करने के बाद इसके बाद है लैंग्वेज कमांड। तो लैंग्वेज कमांड के मोर बटन पे क्लिक करेंगे। मोर बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। सेट प्रूफिंग लैंग्वेज यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारी यहाँ पे लैंग्वेज सेट है, यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ये लैंग्वेज यहाँ पे सेट है। अगर हम इस लैंग्वेज के अलावा और लैंग्वेज यहाँ पे रखना चाहते हैं तो ये बहुत सी लैंग्वेज यहाँ पे दी गई हैं। जो भी लैंग्वेज हमें चाहिए उस लैंग्वेज पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। तो ओके करने के बाद क्या होगा, वो लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। मोर बटन पे क्लिक करने के बाद सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास लैंग्वेज प्रेफरेंस का है। लैंग्वेज प्रेफरेंस हम तब यूज़ करते हैं, सपोज करो ये जितना भी हमने लिखा हुआ है और जो भी हम आगे लिखेंगे अगर हम कुछ गलत भी लिखेंगे तो उस स्पेलिंग को ये चेक ना करे, उसमें रेड अंडरलाइन ना आए। अगर ये रेड अंडरलाइन हमने हटानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज कमांड पे जाएंगे, लैंग्वेज प्रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पे प्रूफिंग पे क्लिक करेंगे। तो ये सभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट है। अगर हम ये चेक स्पेलिंग एज यू टाइप अगर चेक करनी है तो हम चेक करके रखेंगे, अगर चेक नहीं करनी है स्पेलिंग जैसे यहाँ पे हम इसको अनचेक कर देते हैं। और इसके बाद अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो अब जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उस स्पेलिंग को ये चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्पल, एप्पल यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी। इसके बाद ट्री टी आर ई ये भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अब स्पेलिंग यहाँ पे चेक नहीं कर रहा है। रेड अंडरलाइन आती है जब भी हम गलत लिखते हैं कोई भी वर्ड, क्योंकि हमने इसको बंद किया हुआ है। अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज पे जाएंगे। लैंग्वेज पे जाने के बाद लैंग्वेज प्रेफरेंस पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद प्रूफिंग पे जाएंगे और फिर यहाँ से इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद जब हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ओके पे क्लिक करने के बाद ये स्पेलिंग जो है ये चेक करेगा और इसमें रेड अंडरलाइन आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे हम कुछ भी अब लिखेंगे तो ये देखो एप्पल ये भी यहाँ पे रेड अंडरलाइन हमने गलत लिखा था, ट्री यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी इसके नीचे भी ये रेड अंडरलाइन आ जाएगी। तो फिर ये बताएगा कि ये स्पेलिंग आपकी यहाँ से गलत है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको अगर सही करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एप्पल की स्पेलिंग ये है इसको सही कर दी। इसके बाद ट्री की स्पेलिंग यहाँ से राइट क्लिक किया, ये ट्री ये स्पेलिंग है इसको सही कर दिया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे स्पेलिंग चेक को यहाँ पे बंद भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्पेलिंग, थिसरस, चेक एसेसिबिलिटी, स्मार्ट लुकअप, ट्रांसलेट और लैंग्वेज कमांड के बारे में जाना।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।